दृश्य देखिए, आप देखिए कितना बुरा हाल हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। देख सकते हैं आप, दूर दूर तक सिर्फ पानी देखिए। देखना यहाँ के जो आसपास के जो इलाके, ये कितनी दूर तक हम आए हैं, हर जगह ऐसा ही बुरा हाल, पानी ही पानी दोनों साइड रोड के। इस रोड की तरफ भी आप, यहाँ जो इलाका है गांव का वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। घरों में मतलब चार चार तीन तीन फुट पानी चढ़ा हुआ है, यहाँ बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा खेत में किसके खेत है किसके नहीं है। परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर हो चुकी है, खाने की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। लोग गुरुद्वारे से लंगर आते हैं, यहाँ गांव में रहते हैं जो, उनके लिए देखिए आप, बहुत दूर दूर तक ऐसा ही हाल है। और आगे रोड भी दिखाएंगे आपको, पानी ही पानी है, रास्ता भी नहीं है, हमें यहाँ से इस रास्ते से वापस आना पड़ेगा लगता है। देखिए अभी आज जाएंगे कैसे वापस घर की तरफ सर, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा घर की तरफ। बड़ा बुरा हाल है भाई, ये देखिए यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं है, गाड़ी कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग यहाँ अगर अपना ये मना कर रहे हैं, बाइक वाले भी बोले रास्ता नहीं आगे, गाड़ी के लिए तो है ही नहीं। और ठीक हो जी, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से अंकल जी आप? आइए जोग्याला फैल गई है। अच्छा जोग्याला, आपके भी खेत डूब गए? खेत डूब गए सारे। अच्छा कितना का नुकसान है? नुकसान तो फसल मारी गई जड़ी खेत चाहे सी। अच्छा उतरने का कोई है इसका, उतरने लग रहा है कोई? वैसे ही है तो लग रहा जी, पहला तो बहुत पानी सी, हुन तो कट गया जी पानी। अच्छा अच्छा सारा खत्म हो गया फिर तो? सब खत्म हो गया जी, जड़ा खेत चाहे सी सब खत्म है। कोई आया है सरकार की तरफ से कोई देखने? सरकार की तरफ से जी आए होंगे जी, मैनू नहीं पता। अच्छा बिल्कुल ही नाश हो गया सारा, बिल्कुल नाश हो गया जो कुछ है पानी से। और आप अभी अंकल जी से बात की, उन्होंने बताया हमें कि जो उनका जो खेत है वो भी डूब चुका है, और जो अभी का पानी है उसके मुकाबले जो पहले पानी था वो बहुत ज़्यादा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई में पानी छूट चुका, देखिए पानी सड़क के ऊपर ही आया हुआ है, देख सकते हैं। पानी की निकासी की जा रही है, वैसे तो कोशिश की जा रही है, देखते हैं क्या होएगा आगे। तो ठीक हो की ना आया भाई का आपका? सुरेश कुमार। अच्छा आपके भी खेत थे? नहीं जी पहली ना दी है मेरी कोनी है। अच्छा 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 डूब गई सारी? हाँ। कोई आई अपनी ने? कितना कितना पानी है इसमें? इस पानी का निकासी कोई है कुछ सॉल्यूशन? इसका कोई निकासी कोई सरकार की तरफ से आया है? कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया? अच्छा कोई बंदा बुंदा तो नहीं? अच्छा अच्छा टाइम पास ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा डूब गया खेत? हाँ डूब गया सारा। कोई सरकार की तरफ से कोई आया है यहाँ? कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा कोई सुझाव देना चाहते हो सरकार को? सरकार ने देखते ये कड़ा सरकार ने बननी है। अच्छा सरकार ने पाती है सारा कुछ, फसल अच्छा। सारी खत्म हो चुकी है, जीरी लगनी भी नहीं है। हाँ लगनी नहीं, बहुत पानी है, बन टूटे पे सरकार ने चाहिए बन बना सारा, और ही कोनी है। अच्छा नाल जट लगन के सारे जट, जिम्मेदार जिन्हें जो है सारे साथ देने, सरकार ने साथ देना चाहिए। ये गागरे का पानी है, नहर भी टूटी है कोई? गागर का पानी है। अच्छा आपके पानी पिंड है? अच्छा अच्छा फ्लैट है, ठीक है। डूब गया क्या पानी या बच रहा है कुछ? अच्छा बाहर अंदर नहीं है, खेतों में मतलब टोटली नुकसान है, खेत तो मतलब पूरे खत्म ही हो गए। अच्छा कोई सरकार की तरफ तो आया भाई जी कोई? हां सरकार तरफ भाई कोई नहीं, आम जनता कर रही है भाई, जो कर रही है जो बता अच्छा। रही है ठीक है, इस वजह से पंजाब सबसे अलग है जी। हां ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है भाई। सभी को दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोगों को से बस यही विनती करते हैं कि इन लोगों की भलाई के लिए, के खाने पीने के लिए आप सभी अपना सहयोग दें, क्योंकि इंसानियत जो है वही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप लोग अब भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझें, इसको निभाएं। अगर सरकार पहल नहीं कर रही है तो हम लोगों को पहल करनी चाहिए, इंसान होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो देख सकते हो आप दूर से दूर तक कितना
इतनी हालत गंभीर हुआ है, अगर ये हमारे साथ होता तो फिर तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा सर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए युवा पीढ़ी जो कि आगे आप देख सकते हैं गाड़ी में है, वो लंगर का सामान लेकर जा रहे हैं। तो हेलो सर, पानी पैकिंग खाने के घर घर पहुंचा रहे हैं देखिए, और वो भी हमारी फोटो वगैरह ले रहे हैं, देख सकते हैं आप वो कैमरामैन। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ खनौरी की मार्केट है, ये बस स्टैंड के बिल्कुल पास, बस स्टैंड के पास बिल्कुल स्थित है ये, और बस स्टैंड हम दिखा नहीं सकते क्योंकि अंदर है, बस स्टैंड अंदर की तरफ है खनौरी का। और हम देखो शाम का समय, देखो समय जो है बहुत ज्यादा हो चुका है और हमें गांव में पहुंचते हुए ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम आपको बस स्टैंड नहीं दिखा पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने गांव की तरफ। देख सकते हो यहाँ की मार्केट किस प्रकार सजी हुई है, तरह तरह के वैरायटी के सामान आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, मार्केट के अंदर मार्केट, मार्केट के अंदर मार्केट, इस प्रकार से है। यहाँ पर बड़ा भीड़ भाड़ भरा इलाका है, घड़ियों की शॉप है यहाँ पर, होलसेल की है। देखिए यहाँ पर मार्केट में कितनी भीड़ जमा हुई है, देखो इधर से भी गाड़ियां आ रही है, इधर से भी गाड़ियां जा रही है, पूरा रस है हुआ है फास्ट फूड की, खाने के लिए हम फास्ट फूड के लिए रोज काम हो गया हमारा और क्या, टम्मी बढ़ गई है फास्ट फूड खा खा के, टम्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, टम्मी का टम्मा बन गया। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलगप्पे की दुकान है और यहाँ पर चाट भंडार, ये भाई जी हमारे दोस्त यहाँ के जो चाट भंडार और गोलगप्पे हैं बहुत मशहूर है खनौरी में, खनौरी के अंदर। और आप देख सकते हैं डिलीशियस आप इन्होंने चाट बनाई हुई है इधर, देख सकते हैं आप देखिए आप दही बल्ले चाउमीन टिक्की बर्गर सब चीज़ बनाते हैं यहाँ, इधर समोसे हैं अंदर, इनकी स्वीट्स वगैरह की भी दुकान की हुई है इन्होंने। तो हेलो भाई जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी भाई, बढ़िया। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, गौरव जी है ये यहाँ पर, आप देख सकते हो क्या गोलगप्पे की रेट लगाई हुई है, टिक्की वगैरह यहाँ पर चाय मून बर्गर भी बन रहे हैं, और अंदर देख सकते हैं आप बीकानेर, बीकानेर नाम नाम से बहुत प्रसिद्ध है सर। अंदर जाके देखते हैं हम क्या कुछ है, सामान वगैरह देखते हैं। तो बीकानेर शॉप में आपका स्वागत है, यहाँ पर आप देख सकते हो बीकानेर की स्पेशल बर्फी मिठाइयाँ अंदर बैठने के लिए भी सारे बनारसी वाले बैठे हैं, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, सारी जगह है, सारी बुक हो चुकी है, बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं रही है, हमें वेट करना पड़ेगा बैठने के लिए भी। देखिए उन्होंने दुकान कितने अच्छे सजाया हुआ है, कितने अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं, मेन चीज तो सब बैठे हेलो हेलो भाई साहब ठीक हो? देखिए तो यहाँ की मिठाई के बारे में आपका क्या राय है सर? अभी तक नहीं ली, वेटिंग में है, वेटिंग में, वेटिंग में हो, पहली बार आए हो क्या? अच्छा जी, कौन से पूछते हैं? चलो इनसे पूछते हैं, पुराने का चटपटा वाला क्या नाम है आपका? बाकी मेरा वो तो जीएम थी गुड तेज वाइज है हमारे, यहाँ के बारे में आप बताएंगे, यहाँ की मिठाई है, छोले जो भी है, इन चीजों के बारे में बताएंगे। ये रहा
ये होस्ट हम गए थे फर्स्ट टाइम आए। अच्छा आप फर्स्ट टाइम आए हो और इसकी पसंद क्या है? यहाँ की मिठाइयों के बारे में जानकारी तो हमारे सारी दे सकते हैं। भाई साहब भी खड़े हैं। चलो भाई साहब जी भी खड़े हैं। हेलो सर, क्या है आपके, क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। सुभाष नाम है। कब से की हुई आपने ये दुकान? मेरे को खनौरी में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। अच्छी बात है। तो बताइए मिठाई के बारे में कैसे? मिठाई जी अभी तो फिलहाल तो सीजन चल रही है गेवर फिरने की, हरियाणा का सबसे सुपर डुपर फेस्टिवल है। जैसे अपन श्रवण का बोल दे, कोतली का, इसमें ये गेवर वगैरह चलते हैं। ये अपन गेवर बनाते हैं। एक तो ये केसर वाला गेवर है, ठीक है जी। एक है ये प्लेन, एक ये प्लेन कोई बिना खोए का गेवर है, बाकी मिर्ची है, बिस्किट वगैरह चलते हैं। क्या रेट कर क्या सर आपने इनका? ये गेवर है जी 480 रुपये किलो, और ये वाला है अपने 450, और ये 250 रुपये किलो। अगर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आते हैं यहाँ पर, तो आप उनको क्या विशेष छूट दोगे? अरे उनके लिए है छूट ही है साहब। फिक्स रेट है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स रेट तो फिक्स ही है, बाकी प्रेम प्यार में तो सब कुछ होता था। जी प्रेम से सब कुछ है। धन्यवाद आपने अपना समय हमें दिया। अरे बिल्कुल, आपका आपने टाइम निकाला ही है। अपना चैनल है जी सुख ब्लॉग के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लो। सुख ब्लॉग तो सर एक दोस्तों, पतड़ा और खनौरी का सफर हमारा बहुत यादगार रहा, और आप सबने भी देखा मतलब बाढ़ से कितना नुकसान हुआ लोगों को। और यहाँ मतलब हम पतड़ा में जो है माइक और ट्राईपॉड लेके आए हैं, इससे वीडियो क्वालिटी में भी फर्क मिलेगा और ऑडियो में भी। और उसके बाद हम खनौरी मार्केट दिखाई आपको, फास्ट फूड की वो बहुत ही मशहूर दुकान थी, एक बीकानेर की थी, वो भी बहुत बढ़िया दुकान थी। और अब हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज के लिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके शुभ दिन की फिर हम कामना करते हैं, आप सुखी रहें, हमारे चैनल को मस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। सुख ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टाटा, सी यू।